हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी गाड़ी या किसी कार का मीटर में लाइट ना आती हो तो, मीटर ना वर्किंग करता हो तो उसे खुद ही कैसे ठीक करें। किसी भी मैकेनिक के पास जाने से अच्छा है आप खुद ही उसको ठीक कर लें। तो आज मैं ऐसे ही इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। ये मेरी गाड़ी है दोस्तों, टाटा सुपर एस। तो आज मैं बताऊँगा आपको, ये मेरे कुछ दो पुराने फ्यूज़ थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पीछे मीटर बॉक्स के बल्ब होते हैं, ट्यूबलेस होते हैं, वो आपको मैं बताऊँगा कि कहाँ कैसे खोलना है। तो ये भी आपको मैं बल्ब बता देता हूँ। ये मेरे फ्यूज़ थे, देखिए दोस्तों ये काले पड़ गए हैं। तो मैंने ये नए फ्यूज़ खरीद कर इन दो अडोप्टरों में लगा दिए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे करना है। तो इस मीटर बॉक्स को खोल लेना है। तो इसके ऊपर ये था, मैंने पहले खोल रखा था। ये जो डिम्पर सा आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइट जगा लेता हूँ दोस्तों। ये यहाँ फिट होता है इसके, ये मैंने निकाल लिया था। तो ऐसे निकाल कर आपको बताऊँगा। तो मैं इस मीटर को बाहर की तरफ खींच लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। लीजिए दोस्तों, हमारा आ गया बाहर निकल कर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि खुद ही आप कैसे इसे वर्किंग में ला सकते हो। इसका वायर निकल नहीं रहा, मैं थोड़ा खींच लेता हूँ, अभी भी नहीं निकला दोस्तों। तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसे ऐसे कर लेते हैं। तो मुझे कैमरा भी कहीं पर सेट करना पड़ेगा, तो मैं सेट कर देता हूँ कहाँ। तो इसके ऊपर आपको दोस्तों एक मिल जाएगा टेप, जो आपको यहाँ से ऐसे करके निकाल देना है। ये मैं निकाल दे रहा हूँ। और ये फ्यूज़ है दोस्तों, इसमें मैंने बल्ब अभी जड़ा हुआ है, देखिए बल्ब दिख रहा है। और ये मेरा है पुराना बल्ब जो मैंने निकाल दिया है मार्केट से। ये 20 रुपये में परचेज हो जाते हैं दो बल्ब। तो मैं यहाँ इसको लगाने की कोशिश करूँगा, ये कैसे लगता है। ये लग गया दोस्तों मेरा। अब मैं इसको थोड़ा आपको मीटर को चला कर भी दिखाऊंगा कि ये वर्किंग में आ चुका है या नहीं। तो मेरा भी ये फिट सही तरीके से हो गया है। तो अभी हम इस मीटर को देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। तो यहाँ मैं इसको बाहर ही लगा लेता हूँ। ये मेरी चाबी है, ये मैं ऑन करूँगा। करते हैं इसको ऑन। तो ये अभी थोड़ा देख लें। अब मैं चाबी घुमाने जा रहा हूँ। मेरा वाइपर है जो चल पड़ा है। अब मैं इसका लाइट है जो यहाँ से आपको दिखा कर, ये लाइट जगा कर दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों मेरा लाइट दोस्तों आ चुका है, देख लीजिए। मेरा ये वाला लाइट नहीं आ रहा था, और इसका डीजल का लाइट, टेम्परेचर का लाइट, ये नहीं आ रहा था। ये तीनों लाइट नहीं आ रहा था। तो मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। आप भी ये प्रोसेस खुद ही घर पर कर लेते हैं, वरना मैकेनिक आपके इसके पैसे 100 से 200 ले लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चल पाता कि क्या प्रॉब्लम थी। मैं भी ऐसे ठगी में कई बार आ चुका हूँ दोस्तों, आप ये खुद ही कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक बार फिर बंद करके दिखाऊंगा इधर से। तो ये दोस्तों मैंने बंद बंद किया, एक दो, अभी इधर बंद हो गया। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें।
थैंक यू।